आपको 1 लाख रुपए का फौरी बंदोबस्त करना होगा। 1 लाख? डॉक्टर साहब, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो ना तो उनके इलाज के लिए 1 लाख की फौरी जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ बंदोबस्त। ओके, मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा? मेरा तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं जो मदद कर सके, किसके पास जाऊं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? टिंकू को तो मैंने बचपन से पाला है, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, और इस महीने उसकी कुर्बानी भी तो करनी है। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम क्या है? टिंकू नाम है तुम्हारा। कैसा रहेगा टिंकू? चलो दूध पी लो। शाबाश, तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया। आखिर तुम्हारी अम्मी भी नहीं है, तुम्हारा ध्यान मैंने ही रखना है। देखो, हम बड़ा बकरा नहीं खरीद सकते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो फिर हम ईद पर तुम्हारी कुर्बानी करेंगे। बस जल्दी से बड़े हो जाओ। मगर कोई हल भी तो नहीं है, माँ की ज़िंदगी भी ज़रूरी है। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं क्या करूँ? अगर इसको सेल करता हूँ तो कुर्बानी नहीं कर पाऊँगा, और अगर सेल नहीं करता तो मेरी माँ मर जाएगी। अरे अली मियाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। यार मैं भी कुर्बानी के लिए बकरा ही ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे बकरे जैसा। लेकिन तुम तो बेचोगे नहीं, कुर्बानी करनी है ना? अरे नहीं अंकल, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं सेल कर देता हूँ, मैं और ले आऊँगा। वाकई? हाँ जी। लेकिन ये तो तुम्हें बड़ा प्यारा है, और रखा भी तुमने कुर्बानी के लिए है, फिर क्यों बेच रहे हो? बस अंकल ज़रूरत है, मैं बाद में और ले आऊँगा। कितने में बेचोगे आप बताएं? यार बकरा तो तुम्हारा बड़ा महंगा है, लेकिन मैं इसके सिर्फ 1,10,000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सच कह रहे आप? सच पूछो तो इसकी कीमत ज़्यादा है, बस मेरे पास हैं ही इतने, मैं अभी बकरा ही खरीदने जा रहा था। कोई बात नहीं, मुझे भी इतनी ज़रूरत है, मंजूर है मुझे। कब देंगे आप पैसे? अभी लो। मुझे दे दो। शाबाश। या अल्लाह तू बड़ा मददगार है, मुझे माफ़ कर देना मेरे टिंकू, तूने अपनी दोस्ती निभाई है, तू मेरे मुश्किल वक्त में काम आया। खुदा हाफिज़। परेशान हो बेटा? जी बाबा जी, पर आप कौन? क्यों परेशान हो? मैं कुर्बानी नहीं कर सका, बस इसलिए परेशान हूँ। तुमने एक नेक अमल किया है, तुमने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपनी माँ के लिए बेच दी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। क्या वाकई? रब के बाद माँ सबसे बड़ा रिश्ता है, और तूने माँ की खिदमत की है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। सच बाबा जी? जीते रहो। या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है और माफ करने वाला है। ये लोग साहब 1 लाख रुपये, अब तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा ना? क्यों नहीं बेटा, हो जाएगा, बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। अच्छा, क्या कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि अपनी प्यारी चीजों को दूसरों के लिए कुर्बान कर दें? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते रहिए काफ कहानी।